कुल का गोत्र का जब अंश बढ़ता है तो आंखों को बहुत ठंडक मिलती है और बहुत प्रसन्नता होती है। मैं आज से 4 वर्ष पहले के छात्र जदयू और अभी के छात्र जदयू की जब तुलना कर रहा हूं तो हमारे अभिभावक रामचंद्र बाबू ने जब कुछ दायित्व दिया था तो कहावत न कि करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, मुझे ऐसा ही अभी फील हो रहा है कि जब मैं यूजी और पीजी का क्लास जब लेता नया करता था तो छुट्टी पर हूं तो उसी प्रकार की नीरव शांति जिस प्रकार से हम क्लास लेते थे वही यहां पर आज दृष्टिगोचर हो रहा है। इसके लिए आप सभी को कोटि कोटि बधाई देता हूं। मित्रों, राजगीर में हमारे यहां सीपी सिंह साहब ने 400 ट्रेनरों को प्रशिक्षित कराया था और मुझे छात्र और युवा पर बोलने का मौका मिला था और उस समय हमने एक बात कही थी, डिटर्मिनेशन क्या होता है। यह जो उम्र है अभी यहां पर 18 से 25 वर्ष के नौजवान यहां पर, और जिस समय आपका जन्म हुआ होगा उस समय अभी तक किसी का 18, किसी का 19, किसी का 20 वर्ष हो रहा होगा, और आज का जो नौजवान है वह चाहता है कि बिहार एक विकसित बिहार देखना चाहता है, क्योंकि एक जान देने के लिए कभी वो पुणे जाता है, कभी जयपुर जाता है, कभी मुंबई जाता है, बेंगलोर जाता है, तो उसके मन में भी यह उत्कंठा रहती है कि हमारा बिहार प्रदेश भी उसी प्रकार का बने। और आपको खुशी होगी कि जिस प्रकार से हमारे नेता मानवर नीतीश कुमार जी ने आपके लिए, इस भावी पीढ़ी के लिए काम किया है, वैसा पूरे भारतवर्ष में किसी मुख्यमंत्री जी ने फ्यूचर के विजन को लेकर काम नहीं किया होगा। और मैं एक भी बात अभी बता देना चाहता हूं क्योंकि भूल जाऊंगा कि कभी कभी बिहार में कभी उल्लू भी घूमता है और उल्लू का पट्टा भी घूमता है। बात समझिएगा कि आपको दिग्भ्रमित करने के लिए कभी कभी आंदोलन होता था जिनके बारे में बात हो रही है कि मैट्रिक में फेल कर गए हैं, उनके पिताजी के बारे में आंदोलन होता था तो आंदोलनकारी दो गधा निकालते थे, कहते थे गधा बा, ये गधा के पट्टा बा। उसी तरह से उल्लू भी घूमेगा, उल्लू का पट्टा भी घूमेगा, लेकिन आज आपकी उपस्थिति यह दर्शा रही है कि जनता दल यूनाइटेड के सिद्धांतों में, माननीय नीतीश कुमार जी की बातों में, माननीय आर सीपी सिंह के मार्गदर्शन में आज पूरे बिहार में तरुणाई जाग उठी है और हमारा 18 से 25 वर्ष का नौजवान पूर्णतः सजग है कि पार्टी को हम परम लक्ष्य को कैसे ले जाए। इसके लिए वह पूर्णतः सजग है, सजग हो बता, क्योंकि जब तुलना करते हैं यह नौजवानी क्या होती है, जब पत्थर को चूर करती है, शीशे को चूर कर देती है,